सो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आगे की पढ़ाई और प्रॉब्लम सेट टू। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बताना चाहता हूं और उन फॉर्मूलों की क्या वैलिडिटी है ये बताना चाहता हूं। तो ध्यान देंगे अब हम। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। x की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाए करेगी, तभी ऐसा होगा। तो साइन इनवर्स साइन x बच्चों x होता है, लेकिन x मस्ट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। और कॉस इनवर्स कॉस x भी x के बराबर होगा, लेकिन x की वैल्यू बच्चों जीरो से पाई के बीच में होती है। टेन इनवर्स ऑफ टेन x, आपको पता है टेन में साइन बाय कॉस आता है, ऊपर साइन होता है, तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम साइन की चलाते हैं, एक्सक्लूडिंग दी पॉइंट्स जहां पर वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी टेन माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो उन पॉइंट्स को हमने एक्सक्लूड किया, राइट? उसके बाद कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, एक्स हो गया हमारा एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू पाई, जो कॉस है वो चलेगा और जीरो और पाई यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। फिफ्थ हो गया बच्चों हमारा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। तो यहां पर साइन की ही कहानी चलती है, क्योंकि बेसिकली ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, एक्सक्लूडिंग दी पॉइंट जहां पर कोसेक नॉट डिफाइंड हो रहा है। और बच्चों लास्टली सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स भी एक्स के बराबर है, फिर से यहां पर कॉस चलेगा जीरो टू पाई, एक्सक्लूडिंग दी पॉइंट जहां पर वो बच्चों इनफाइनाइट हो रहा है, राइट? तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। एक आधा मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज करिए हमारे पास कुछ सवाल हैं। साइन इनवर्स साइन ऑफ टू पाई बाय थ्री, कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाय सिक्स, टैन इनवर्स टैन थ्री पाई बाय फोर, cot inverse 3 pi by cot inverse bahar cot of 3 pi by 4, right? ठीक है, यहां तक देखते हैं अब हम। तो देखो बच्चों क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2 pi by 3 की बात हो रही है बच्चों, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, ये सर्टेनली 2 पाई बाय 3 के बराबर नहीं होगा। साइन इनवर्स से साइन गायब नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे, साइन पाई बाय 3 साइन 180 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 सर्टेनली माइनस पाई बाय 2 से बच्चों पाई बाय 2 के बीच में अगर लाए कर रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा और आंसर आएगा बच्चों यहां पर पाई बाय 3, पाई बाय 3 क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाए कर रहा है, राइट? अब अगर देखें दूसरा केस, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7 पाई बाय 6, बच्चों कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच है जीरो से पाए और सेवन पाई बाय सिक्स सर्टेनली पाए से बड़ा है, तो इसे अब आपको कुछ भी करके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना है। तो इसको आपने लिखा कॉस पाए प्लस पाई बाय सिक्स, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा बच्चों माइनस कॉस थीटा होता है। और अब हम देख लेते हैं यहां पर कि कॉस पाई बाय सिक्स की क्या वैल्यू होती है। cos पाई बाय सिक्स की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू, तो ये आ गया cos इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू। एक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के, तो ये आ गया पाई माइनस cos इनवर्स रूट थ्री बाय टू, यानी पाई माइनस पाई बाय सिक्स यानी फाइव पाई बाय सिक्स, जो कि जीरो से पाई के बीच में यानी cos की प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में लाए कर रही है, ठीक है? चलो ये नोट कर लेंगे बच्चों जल्दी से आप।
थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों. टैन इनवर्स टैन 3π/4. सवाल है बच्चों टैन इनवर्स टैन 3π/4. अब इसका क्या करें, 3π/4 सर्टेनली टैन की प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में लाए नहीं कर रहा, तो उसे लाए कराओ. टैन इनवर्स टैन ऑफ 180 माइनस थीटा. टैन 180 माइनस थीटा बच्चों होता है माइनस टैन थीटा. टैन पाई बाय फोर होता है बच्चों 1. फॉर्मूला है टैन इनवर्स माइनस एक्स का, माइनस ऑफ टैन इनवर्स एक्स यानी माइनस टैन इनवर्स 1, और टैन थीटा 1 होता है पाई बाय फोर पे. तो माइनस पाई बाय फोर सर्टेनली माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाए कर रहा है, तो यहां पर हम बिल्कुल सही आंसर पे पहुंच चुके हैं. ठीक है, लास्टली देखते हैं बच्चों एक आसान सा सवाल. cot inverse cot 3π/4. तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है. cot inverse cot 3π/4. इस सवाल में देखते हैं क्या 3π/4 PVB प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है. cot की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाए ओपन इंटरवल, तो हाँ, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है तो कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. आंसर 3π/4 ही आएगा. राइट बच्चों, इसमें बच्चों अब हम एक दो रोमांचक सवाल सीखते हैं. तब तक के लिए आप याद रखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में होनी चाहिए. मैं पीवीबी रब कर रहा हूं सो दैट मैं बोर्ड की स्पेस यूज कर पाऊं. तो यह आपको ऑलरेडी पता है बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. एक दो पेचीदा सवाल देखते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी. तो अब देखते हैं बच्चों सुपर लेवल सवाल. साइन इनवर्स साइन 10. ये कहानी थोड़ी अजीब सी है. साइन इनवर्स साइन 10, ये 10 डिग्री नहीं है, 10 रेडियंस है. हां तो ठीक है, ये बात मुझे पता है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता. साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स के बराबर आएगा, लेकिन जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, या फिर बच्चों पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो, माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में होनी चाहिए. तो ये तो 10 है, इस 10 को हमें somehow इस इंटरवल के बीच में लाना पड़ेगा. ठीक है, तो बच्चों साइन के लिए क्वाड्रेंट रूल क्या होता है, एड शुगर टू कॉफी, सारे पॉजिटिव. साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव. कॉस थीटा पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव. तो बच्चों अल्टीमेटली अगर हमें ये याद रखेंगे आप, इस तरह के क्वेश्चन में हम कभी भी पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू यूज नहीं करते. हम बेसिकली 0π, 2π, 3π ये यूज करते हैं. राइट, अगर आपने एक चक्कर लगाया तो 0, फिर ये पाए पहुंच गए, ये 2π. अगर आपने नेक्स्ट चक्कर लगाया तो फिर ये 3π हो गया, ये पूरा 4π हो गया, दोनों चक्कर काउंट कर लिए. तो पीरियोडिक वैल्यूज होती हैं. राइट, ठीक है. अब क्या है, मुझे बस सिर्फ दो ही बातें पता हैं. पाई बाय टू यूज करना अलाउड नहीं है बच्चों, क्योंकि आप फंक्शन चेंज नहीं कर सकते, आप इसे साइन को कॉस नहीं बना सकते. साइन इनवर्स ऑफ साइन ही कभी ना कभी कैंसिल होकर एक्स आएगा. साइन इनवर्स के अंदर कॉस हो तो वो कैंसिल होने का फॉर्मूला हमने नहीं सीखा और ना होता है. राइट, अब मुझे एक बात पता है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है. ठीक है, और मुझे यह भी पता है कि साइन 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा. बट मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे तो साइन थीटा को साइन थीटा ही रखना है. मुझे 10 को इस तरीके से रखना है कि साइन थीटा ये साइन थीटा ही रहे, ना तो नेगेटिव हो ना ये कॉस हो. तो मैंने क्या करा, ये एंगल चेंज कर दिया, इसे मैंने कर दिया थीटा माइनस 2π, तो ये फिर से साइन थीटा आ गया. ठीक है, अब अगर एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया 180 माइनस थीटा और थीटा माइनस 2π, पाए और 2π ले सकते हैं, तो फिर अगली वैल्यू क्या आएगी, अगली वैल्यू आएगी 3π. साइन 3π माइनस थीटा, फिर से देखो एक पूरा चक्कर 2π, फिर अगला पाए माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से साइन थीटा ही आएगा. राइट, तो ऐसे करके हमें चेक करनी है वैल्यूज. अब हम चेक करते हैं फिलहाल इतनी लिख करके कि क्या इनमें से
कोई वैल्यू ऐसी है जो इस इंटरवल के बीच में आ जाए, चेक करते हैं बच्चों। तो पाई माइनस थीटा, थीटा हमारा यहां पर 10 है, पाई माइनस 10 यानी 3.14 माइनस 10 6 पॉइंट समथिंग, सर्टेनली इसके बीच में लाए नहीं करेगा, तो ये हमारा जो है पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। थीटा माइनस 2 पाई, 10 माइनस 2 पाई, 10 माइनस 6.28, ये भी माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में नहीं आ रहा। 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस 10 करते हैं बच्चों, 3 इंटू 3.14 माइनस 10, ये सर्टेनली मेरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाए कर रहा है, यानी ये माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में लाए कर रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सवाल के अंदर ध्यान देंगे, देखो सिंपल है, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 को तो छेड़ना ही नहीं है, पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस 2 पाई। अगर अगली इस वैल्यू पे भी ना आता तो अगली वैल्यू क्या लिखता बच्चों में, अगली वैल्यू लिखता फोर्थ क्वाड्रेंट की, 4 पाई माइनस थीटा तो नेगेटिव हो जाता साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसलिए मैं थीटा माइनस 4 पाई लिखता, ठीक है। फिर अगली लिखता तो अगली क्या लिखता बच्चों, अगली लिखता मैं 5 पाई माइनस थीटा, ये फिर से साइन थीटा है ना, यही आपको चेक करना है। इन कहीं ना कहीं इन वैल्यूज पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इंटरवल के बीच में आ जाए, थीटा वही वैल्यू है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो कि यहां पर 10 है, 10, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, तब तक आप एक बार प्लीज नोट कर लीजिए। अब एक बार सवाल पे आ जाते हैं, साइन इनवर्स साइन 10, साइन 10 को मैंने 3 पाई माइनस 10 लिखा क्योंकि इससे मेरा फंक्शन नहीं बदल रहा, साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, और ये एंगल जो है अब हमारा इस पीवीबी में आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो फिर साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके मैं सर्टेनली बच्चों 3 पाई माइनस 10 लिख सकता हूं, राइट। नोट करिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों हम, साइन इनवर्स साइन 5। हां तो ये बात सिंपल है कि 5 जो है वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाए नहीं कर रहा, तो समहाउ हमें इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना है। अब साइन क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, बट चालाकी से मैं इसे पॉजिटिव बना रहा हूं, तो साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बट मैंने थीटा माइनस 2 पाई लिख दिया तो ये साइन थीटा ही रहेगा। अगला बनेगा फिर से 3 पाई माइनस थीटा, ये फिर से साइन थीटा। अब चेक कर लेते हैं इतनी वैल्यू के बाद ही कि क्या इनमें से कोई ऐसा केस आ रहा है जो इसके बीच में लाए करे, चेक करते हैं बच्चों। पाई माइनस थीटा यानी 3.14 माइनस 5, ये वैल्यू आ रही है हमारी 1.86, ये वैल्यू आ रही है बच्चों 1.86 नेगेटिव, जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही। थीटा माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई यानी 5 माइनस 2 इंटू 3.14 बच्चों, 5 माइनस 6.28 माइनस ऑफ 1.28, माय पर्पस इज सॉल्व्ड, क्योंकि ये इस इंटरवल में आ गया तो फिर ये आंसर है। तो इसे क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा यानी 5 माइनस 2 पाई, सर्टेनली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन में, थीटा माइनस 2 पाई साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई साइन थीटा ही होता है, तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फायदा क्या हुआ, साइन इनवर्स से साइन यहां पर बच्चों अब गायब हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो है 5 माइनस 2 पाई जो है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, तो आंसर आ गया बच्चों हमारा 5 माइनस 2 पाई, करेक्ट है बच्चों। आई होप क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, राइट राइट ठीक है, नोट करेंगे बच्चों आप एक बार। एक और फॉर्मूले बनते हैं बच्चों कुछ, वो क्या बनते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो अभी चेंज हो गया है, पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स था, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होता है,
tan of tan inverse x, x होता है बच्चों, cot of cot inverse x भी x होता है, sec of sec inverse x भी x, और cosec of cosec inverse x भी फाइनली बच्चों x ही होता है। बट यहां पर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यहां पर भी -1 से 1 के बीच में, tan में x की वैल्यू रियल नंबर, cot में x की वैल्यू रियल नंबर, sec में x की वैल्यू रियल नंबर में से -1 से 1 ओपन इंटरवल गायब, इसमें भी रियल नंबर -1 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, ये कहानी हो गई हमारी सिंपल। सपोज करिए अब हमारे पास सवाल आता है ये, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। तो बच्चों 5/13 फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, -1 से 1 के बीच में लाए कर रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन गायब करके हम यहां पर टेक्निकली 5/13 लिख देते हैं। ठीक है, कई बार सवाल बनता है बच्चों कुछ इस तरीके से, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5। अब तो फंस गया मामला, क्योंकि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स तो सीखा है कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स कैसे होगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स ये हमें सोचना पड़ेगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें साइन इनवर्स 3/5 को बच्चों थीटा ले लेते हैं, तो यहां से हमारी साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आती है, थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, तो यहां से अगर हम कॉस थीटा निकालें अब, तो यहां से हमारा कॉस थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, और हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉस ये थीटा ही तो है, हमें कॉस थीटा ही तो निकालना था, तो ये हमारा यहां पर इजिली बच्चों आंसर आ गया। राइट, एक बार नोट करेंगे बच्चों आप, अब बच्चों हम प्रॉब्लम सेट 2 पे पहुंचते हैं, और उसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। अब बच्चों हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ नहीं काफी सारे। राइट, तो देखते हैं एक बार, मैंने आपको बताया था कि कब क्या चीज सब्स्टिट्यूट करनी है और क्यों करनी है। राइट, तो एक बार वो समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस पे। जैसे आपको लिखा हुआ होगा, बस सिंप्लीफाई कि इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करिए पहला, या फिर प्रूव दैट भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस प्रूव दैट के भी दे सकता हूं मैं। राइट, तो देख लेते हैं, या तो सिंप्लीफाई करो या प्रूव करो। ठीक है, तो चलो पहले सिंप्लीफाई के सवाल देख लेते हैं कुछ। सिंप्लीफाई, ठीक है, तो सिंप्लीफाई में पहला सवाल है बच्चों हमारा, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1+x² - x। हमसे बोला जा रहा है कि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो किसी भी तरीके से। तो ठीक है, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया था बच्चों, उस सब्स्टिट्यूशन की टेबल में देखिए आप, जहां पर भी 1+x² दिखे आपको, हम ऐसे केसेस में एक्स को बच्चों टेन थीटा ले लेते हैं, और जब x tan थीटा होता है तो थीटा tan उधर जाकर के tan इनवर्स बन जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये क्लिक करने वाली बात थी कि अगर 1+x² क्वेश्चन के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से देखे तो हम x को tan थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं एक बार, tan इनवर्स रूट में बच्चों 1+tan²θ -tan θ, tan इनवर्स 1+tan²θ बच्चों हो जाएगा sec θ - tan θ। राइट, अब क्या करने वाले हैं हम, sec को साइन और कॉस में लिखने वाले हैं, tan को भी साइन और कॉस में लिखने वाले हैं, 1/cos θ माइनस सर्टेनली sin θ / cos θ, tan इनवर्स 1 - sin θ डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देखो बच्चों, अब इसे प्रोसीड करने के दो तरीके हैं, एक तरीका देखते हैं हम यहां पर, tan इनवर्स
ये साइन थीटा को मैंने कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखा बच्चों, और नीचे वाले कॉस को लिखा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब मैं जबरदस्त तरीके से हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने वाला हूं। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, और साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2, राइट। तो देख लेते हैं एक बार क्या होने वाला है। सो हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया बच्चों, अब 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन ए बाय 2 कॉस ऑफ सर्टेनली ए बाय 2, राइट बच्चों। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से 2 गायब हो रहा है बच्चों, एक साइन से एक साइन गायब हो रहा है, और साइन बाय कॉस यहां पर बन रहा है टेन, और टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। यहां पर बच्चों हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होना चाहिए था कि x कहां से कहां तक लाइ कर रहा है। फिलहाल स्कूल लेवल पे हम ये मान के चलते हैं कि ये जो tan के अंदर जो भी वैल्यू है वो एक्चुअली में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही लाइ कर रही होगी। तो tan इनवर्स से tan गायब हो गया, ये आ गया बच्चों पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, लेकिन थीटा तो कुछ और था, वो था tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, राइट बच्चों। नोट कर लीजिए प्लीज आप इसे।